हैप्पी बर्थडे यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम रेडिएशन के बारे में समझ रहे हैं। किसी भी वस्तु के दो पहलू होते हैं। अगर रेडिएशन के एडवांटेज होते हैं तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होंगे। जैसा कि संतोष ब्रो ने आपको बताया रेडिएशन के एडवांटेज के बारे में, तो आज मैं आपको रेडिएशन के डिसएडवांटेज के बारे में बताने जा रही हूँ। जब रेडिएशन के तो फायदेमंद, रेडिएशन तो फायदेमंद होती है, बट उसकी अननेसेसरी यूज या गलत तरीके से उपयोग हमारे व हमारे इन्वायरमेंटल के लिए हार्मफुल भी होती है। अगर रेडिएशन हमारी बॉडी में इंटर करती है तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल को भी प्रेजेंट सेल से इंफेक्शन करती है, और इन्फेक्शन करती है जिससे कि उसमें आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन होता है जो कि लॉन्ग टाइम तक रिपीटेशन से कैंसर जैसे घातक बीमारी का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। रेडिएशन प्रेग्नेंट लेडी और चिल्ड्रन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। रेडिएशन जो हमारी बॉडी के सेल में प्रेजेंट होती है, सेल में इंटर करती है, तो सेल में प्रेजेंट डीएनए को भी इफेक्ट करती है, जिससे कि डीएनए में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण नेक्स्ट जनरेशन पर बहुत प्रभाव पड़ती है। ऐसा रेडिएशन ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ सेल को हार्म करे या किल करे या कैंसर की ग्रोथ को कम करे, इससे अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे हेयर लॉस, वोमिटिंग, नोजिया और ब्लरी विजन, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो पड़ते हैं। जो हम एक्सरे करवाते हैं तो हमारे लिए 100% सेफ नहीं होता है, जिसे हमें डिसीज के डायग्नोसिस के लिए उसे सेफली यूज करनी चाहिए, और हमारे इन्वायरमेंटल को भी प्रोटेक्ट रखना चाहिए। आप सबको पता ही होगा, आप सब जानते होंगे कि एक कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। उसी तरह कैंसर होने का एक कारण रेडिएशन, तो उसका इलाज भी रेडिएशन ही है। इसलिए आप लोग कैंसर का नाम सुन के या बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम सुन के डरो मत। जो इसके भी बचने के बहुत सारे तरीके हैं, जो मेरी फ्रेंड ज्योति आपको एक्सप्लेन करेगी। थैंक यू।